सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, अभी हो रहा है सुबह का 9:20 हो रहा है, और जैसा कि आपको पता है आज मेरे जिंदगी के खास दिन है, खास दिन मेरी जिंदगी का खास दिन, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा, और मुझे हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है। बाकी ये लड़की मुझे सुबह सुबह गिफ्ट दे रही है, तो देखते हैं इसमें है क्या। मुझे तो पता नहीं, खाली खाली हल्का हल्का लग रहा है जो हो। सो गाइस, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, और थोड़ा लाइट वगैरह सही करो यार, वो जला दे, लाइट जला दे। हाँ ठीक है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये खराब लग रहा है ना, क्या ही कर सकते हैं। अभी मैंने दवाई लाई, अभी गोली खानी है सुबह की, नहा के आते हैं फिर खाते हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद। फिलहाल तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ले भाई दिखाना। देखिए, मुझे पता था ये प्रैंक है। कागज देखिए, इतना सारा कागज, ये इतना सारा कागज। मम्मी देख, इतना सारा डिब्बा, इतने बड़े से शुरुआत भाई मिला का, एक तो टॉफी का था। चलिए कोई बात नहीं, खा लीजिए। कहते हैं कुछ मीठा तो खिलाया ना, था मुझे लगा था कुछ ना हो, कछु ना हो, जानते थे मुझे पता। ऐसे लोग मुझे कभी गिफ्ट ही नहीं दे सकते ना, लगा मेरा मजाक। बट अच्छा था, कोई बात नहीं, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर तो जला इसे, मैं जला दी। क्यों? मुझे वीडियो बनानी थी ना, इतना वाला डिब्बा, इतना वाला डिब्बा वो के अंदर थे। ऐसे कहन जाना, इतना दही नहाने पर। चलिए अब खा लेते हैं इसे, और अभी दवाई भी खानी है, जल्दी से नहा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं 11, और मैं नहा के आ चुकी हूँ, कंघी नहीं की हूँ इसलिए पागल से लग रही हो रही है। ये दवाई पता नहीं कैसे दिख रही, जल्दी ठीक हो जाए। खैर मुझे, मैं यहाँ पास कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे खानी है दवाइयाँ। नाश्ते पे है सब्जी, अरे सब्जी रोटी और एक गुजिया, अरे खा लेती हूँ फिर उसके बाद दवाई खाती हूँ। और उधर मेरा भाई बिजी है मेरी इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरी लगाने में, क्योंकि मैंने उसे ज़बरदस्ती लगवाई है, तो एकदम बिजी है सेट करने में। बाकी मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। सो गाइस, नाश्ता फिनिश हो चुका है, सब केक खाओ भैया, मुझे दवाई खानी है, खाओ जहाँ खानी है मुझे। और अब चलते दवाई खा लेते। अटक गई थी। खाली तीनों गोलियाँ, बताइए बर्थडे के दिन मुझे गोली खानी पड़ रही है, और पता नहीं कितने दिन खानी पड़ेगी, फाइनली खानी बर्थडे दिन। और अब चलते हैं, और अभी बर्थडे का कुछ प्लान नहीं है, इसे मैं बोल रही हूँ माने ले। चल, पहली बार लाइफ में, पहली बार मेरा बर्थडे यहाँ मन रहा है, और बर्थडे के दिन मैं केक काटूंगी पहली बार। हाँ, बर्थडे के दिन पहली बार काटूंगी। वहाँ जाती थी मम्मी लोग तो बर्थडे के दिन कहाँ पहुँचती थी, जैसे इस दिन होली रहती थी, तो होली मेरे बर्थडे के दिन एक भी बार नहीं हुई है, तो उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद, 10 दिन पहले, ऐसे मतलब होली वाले दिन के एक दिन पहले बर्थडे में काटा, बर्थडे काटती थी, केक काटा करती थी। बट बर्थडे के दिन मैंने कभी नहीं काटी है, काटा है केक, तो आज शायद मैं काटूँ। और अभी जाएंगे केक लेने, तो देखते हैं। और ऐसे कुछ प्लान वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं बर्थडे मनाने यहाँ नहीं आई थी, मैं तो आई थी यहाँ पास दवाई करवाने। और वैसे भी मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मेरा बर्थडे कहाँ मनाऊंगी, तो मेरी मम्मी का पार्क वार्क
ले चलो, तो कहती है आंगन में जाके बना लो, और फिर मैंने बोला कि मुझे स्विमिंग पूल ले चलो, तो कहती खदान में जाके बना लो। तो ऐसी ऐसी तो मेरी बेइज्जती हुई है। तो खैर, बाकी मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, होपफुली। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हो रहा है शाम के 7:15, और अभी मैं रेडी नहीं हुई। पीछे का बैकग्राउंड आप देख ही सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली अपने बर्थडे की। ये देखिए, बलून वगैरह फुलाया है, और ये ऐसे ऐसे ठीक है, कुछ ज़्यादा बोली। और खाने में मैंने मोमोज बना लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे मोमोज, पनीर मोमोज। सॉरी गाइस, मैं झूठ बोली, मैंने बनाए नहीं है, मैंने मंगाए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं था कि मैं बनाऊँ। ये रही चटनी, आउच, एक दोना गिर गया मेरा, उठाते हैं, उठा लिया, चलो आगे हैं। और बलून चिपकाने के लिए मेरे पास टेप नहीं, तो मैं जा रही हूँ नीचे टेप लेने, और सजावट। चलिए चलते हैं, टेप लेके आते हैं मम्मी। सो गाइस, मैं पागल बन गई। सो गाइस, मेरी सजावट जो है वो हो चुकी है, और आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। एक मिनट, सस्ती टिकाऊ सजावट मैं आप लोग को खाना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं, और ये रही मेरी सजावट। जी हाँ गाइस, यही है मेरी छोटी मोटी सी सजावट जो मैंने खुद अकेले कर ली है। एक बलून का लगाया है, तीन बलून पीछे, और ये कुछ अलमारी को सजा दी। कोई बात नहीं, चलता है, छोटी मोटी सी बर्थडे पार्टी है। और कुछ यही 10-12 लोगों को मैंने बुलाया है, तो वो आते ही होंगे, और मैं भी जल्दी से रेडी हो चाहती हूँ। तो चलिए, अब केक कटिंग करेंगे, तैयार हो जाऊँ। फिर तो बहुत टाइम है, देखते हैं 10-12 लोग जो हैं वो तैयार हुए कि नहीं। मजाक कर रही, 10-12 नहीं, 2-3 लोग हैं, और वो मोमोज को मुझे फ्राई भी करना है, तो जल्दी उसको फ्राई भी कर लेते हैं, और फिर तैयार होंगे, है ना। तो बाकी ये रही तैयारी, और आपसे मिल रही है केक कटते समय की कटिंग, आपको दिखा, अभी हमने आपको केक भी नहीं दिखाया। हम काट देंगे। एक साल की हो चुकी है, गाइस। यहाँ पास जो है मेरा केक वगैरह कट चुका था। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाना बज रहा था, और फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता। इस लोग को केक खिलाया और खुद भी खा लिया, और फिर उसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग ने केक वेक खाया, मोमोज वगैरह खाया, और फिर इसके बाद हम लोग को होने वाला था डांस। तो वो आप, मैं वो पार्ट टू में डालूंगी, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है, और इतना नेट नहीं है कि मैं 20-25 मिनट का व्लॉग डाल सकूं, इसलिए मैंने उसको पार्ट टू में किया। और वो भयानक डांस आप लोग पार्ट टू में देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पास करूँगी एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, और वो वाला व्लॉग जरूर देखिएगा। बाय बाय।